ধরা দিল কেউ অল্প ছাওয়াতে, উড়ে গেল কিছু গল্প হাওয়াতে, অকারণে আমি অল্প আঘাতে হচ্ছে অভিমানী। কাঁচা মিঠে আলো নাম কি জানি তার, বড় অবকালো আটছে দিন আমার, বেজে ওঠে মনে পিয়ানো গিটার, হালকা ঘুম পাড়ানি। সে তো জল্পনাতে কল্পনাতে থাকছে জড়িয়ে, আরে একলা রাতে আশকা রাতে থাকছে জড়িয়ে, সাজনা লাগে না अब अखियां तोरे बिन साजना काटे ना, अब रतियां तोरे बिन साजना लागे ना, अब अखियां तोरे बिन साजना काटे ना, अब रतियां तोरे बिन। जो नाकि सुन जो नाकि ओई चोली निबे बोले जाए, ডানাতে কেন মন খারাপ লিখে পাঠিয়েছি তোমার পাড়ায়, জো নাকি শোন জো নাকি ওই জলে নিবে বলে যায়, ডানাতে কেন মন খারাপ লিখে পাঠিয়েছি তোমার পাড়ায়, বলি বৃষ্টি দিনে অলক্ষণে ঝড়ো হাওয়াকে, আরে লালচে রাতের আজকা রাতে ভিজতে যাওয়াকে, সাজনা काटे ना, अब रतियां तोरे बिन साजना लागे ना, अब अखियां तोरे बिन साजना लागे ना, अब अखियां तोरे बिन साजना काटे ना, अब रतियां तोरे बिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। अरे रबर बैंड लगा रखा तो जी, अरे रबर बैंड से याद आया, सफ़ेद सफ़ेद रबर बैंड, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर, नवरत्न पाउडर लगाया। बहुत गर्मी हो रही है ना दिल्ली में, अरे भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है, सच में बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। और पता नहीं मानसून कब आएगा, बारिश का मौसम कब आएगा, यहाँ पे तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है दिल्ली में कि क्या ही बताएं। लू चल रही है, गू चल रही है, सब कुछ चल रही है। तो चलिए अभी हम रीडिंग करेंगे, और रीडिंग का टॉपिक क्या है, ए फुल मून बैनर, फुल मून बैनर्जी से। हमारा ना दिमाग खराब हो गया। फुल मून एनर्जीज, फुल मून एनर्जीज, फुल मून बैनर्जीज। बंगाली गाना क्या गाया तो सब बैनर्जी हो गए। अरे हमारी नाक में अभी क्या टीका लग रहा है, जो भी है छोड़े। अच्छा है हमारे बिल्कुल चेहरे के सेंटर पे यहाँ पे काला टीका लग रहा है, नजर नहीं लगेगी हमको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए। वैसे ही हम ये हमको वो हुई है सनबर्न, हमको ना ज़रा सा, हम जरा सा धूप में जाते हैं ना, हम यहाँ से लेके यहाँ से ठीक यहाँ से पूरा यहाँ तक का बंदर बन जाते हैं। सच में धूप में जाते ही अगर हमने धूप का जो है कुछ वो ना लगाया हो ना प्रोटेक्शन, कोई क्रीम वगैरह, तो वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा, हम बिल्कुल हनुमान बन जाते हैं, वानर। वृंदावन गए थे हम, बहुत टाइम पहले की बात है, करीब 6 साल पहले की बात है जब हम वृंदावन गए थे। वहाँ पे तो मतलब लिटरली हमारा ये हाल हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरा सनबर्न हुआ था चेहरा, और ठीक यहाँ से यहाँ तक ही हुआ था। तब हमको पता चला था कि हम वाकई में बंदर हैं, और बंदर की प्रजाति से बिलोंग करते होंगे, इसलिए हमारा कुछ है, हमारी असलियत जो है वो भगवान जी ने दिखाई है, वो भी वृंदावन में। बंदर है ना। तो चलिए आज बंगाली गाना गाया है हमने, है बंगाली गाना बड़े लोग पसंद करते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कुछ अलग गाओ कुछ अलग गाओ, हैं तो लो बंगाली गाना गा दिया आज हमने, हैं। तो जी फुल मून ब्लेसिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं, फुल मून एनर्जीज हम चेक करना चाहते हैं, और फुल मून की एनर्जीज ऑब्वियसली अगले फुल मून तक रहेगी, अगले फुल मून तक रहेगी, मतलब एक महीना तक तो रहेगी ना, क्योंकि अगले महीने आएगा ना फुल मून, इसके बाद तो अब न्यू मून आएगा है, और न्यू मून के बाद फिर फुल मून आएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद, 30 डेज के बाद आएगा, 30 डेज के बाद आता है, 15 दिन के बाद आता है, हमको नहीं पता, हम भूल गए, लेकिन महीने में एक बार ही तो आता है पूर्णिमा, अरे पता नहीं, हाँ लेकिन एक महीने तक की हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग करते हैं, और पर्सनल पेड रीडिंग से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। आप लोगों को क्या लगता है वैसे, कभी कभार आप लोगों को सोचते होंगे कि ये क्या ही रीडिंग देती होगी, ये तो पागल है, जो मर्जी करिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि इस पागल ने बहुत सारे रीडिंग ऑलरेडी डिलीवर कर दी है, और एक्यूरेट कितनी रही है वो वही लोग बताएंगे, हैं कर्मा बिलीवर्स। खैर, वैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला टैरो डेक इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें फुल मून की ब्लेसिंग्स देखनी है, तो इसमें मेजर अरकाना ही मेजर अरकाना होता है। ये रहा वो डेक, सीक्रेट इंडियन टैरो डेक है ये, ठीक है। अरे हाँ, कल किसी ने हमको बोला कि दी आपके पास एक लाल लाल सा डेक है, वो आप इस्तेमाल करो। अरे हाँ, ये भी तो लाल है क्या, यही वो डेक है क्या? पता नहीं किसी ने बोला था कि आपने एक ही बार यूज़ किया है। हमने एक बार तो यूज़ नहीं किया, इसको काफ़ी बार किया है लेकिन, और ये तो बहुत पुराना है भाई, 2-3 साल हो गए हैं इस डेक को हैं। लेकिन जो भी है, पता नहीं किसी ने लिखा था कमेंट करके, भानु ने लिखा था, भानु है ना, भानु ने लिखा था शायद, भानु ने ही लिखा था। अगर भानु ने लिखा था तो भानु कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या यही है वो डेक जिसकी आप बात कर रहे थे। अरे हाँ यार, और तो कोई लाल रंग का डेक नहीं है हमारे पास, हमको याद नहीं है। लेकिन क्या बात है, क्या बात है, एकदम से ये यही डेक निकला है आज है। एनीवेज, अभी इसमें से सिर्फ मेजर अरकाना होते ही देखिए कितने कम कार्ड्स हैं, 22 कार्ड्स हैं इसमें, और हम वही पता लगाएंगे कि फुल मून की ब्लेसिंग्स क्या है, तो कुछ भी आ सकता है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि टावर भी आ सकता है और हैंगमैन भी, लेकिन एक आया है, डेविल भी आ सकता था वैसे, मजिशन आया है, ठीक है। ऑब्वियसली रेडी थे हम, क्योंकि इस डेक का इस्तेमाल बहुत लंबे टाइम के बाद कर रहे हैं। मैजिशियन, वो तो बहुत सारे भाई, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपकी कमिंग सून, कमिंग ट्रू होती हुई एक महीने के अंदर हैं। ऐसा कौन सा वो कर रहे हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, तंत्र मंत्र साधना विद्या का प्रयोग जो भी है, लेकिन हाँ ये वाइट मैजिक है, ब्लैक मैजिक वाला कार्ड नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। पहला कार्ड ही मैजिशियन, और वो भी नंबर वन, तो आप लोग तो नंबर वन बनने चाहते हैं भाई, एक नंबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। क्या बोला था हमने, टावर भी आ सकता है, तो ये टावर है, देखा क्या बोला था हमने, आया ना। अब आया है तो हम तो इसको लेंगे, रिजेक्ट थोड़ी करेंगे, जो आया है वो आया है, पता चल जाता है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम वो करेंगे अभी, इसका बिल्कुल अंदर से जो है इसका पूरा हम कच्चा चिट्ठा निकालेंगे ना दूसरे टेक का इस्तेमाल करके, चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम देख रहे हैं टावर के बाद एक और कार्ड हम देखना चाहते हैं। अरे भाई, कन्फर्म ही तो करना था कि ये टावर आपको खुशी दे के जाएगा या दुख दे के जाएगा, क्योंकि देखो जो है वो है, क्योंकि आपको पता है कि अगर लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और ये है द सन, ठीक है, टावर के ठीक बाद आया है, तो आप समझ गए हैं कि एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भाई, एक महीने के अंदर। ओ, बॉटम ऑफ द डेक भी हमें दिख गया, तो द फूल है यहाँ पे। You are ready for new beginnings, और कुछ ऐसा जिस पे आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रॉ होता है ना, रॉ, समझ रहे हैं, अरे ज़ीरो पे जा रहे हैं ना वापस। फूल है ना, अब ज़ीरो के बाद ही तो आप एक लगाएंगे, उसके आगे एक लगाएं या उसके बाद एक लगाएं तो नंबर तो बढ़ेगा ना, समझ रहे हैं। अगर उसके आगे एक लगाएंगे तो वो वन हो जाएगा, अगर उसके बाद वन लगाएंगे, उसके पीछे वन लगाएंगे तो वन हो जाएगा, उसके आगे एक लगाएंगे तो टेन हो जाएगा, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अरे समझ जाएंगे, आप इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो ठीक है। तो आपने देख लिया क्या क्या कार्ड आया, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। फुल मून की ब्लेसिंग्स कलेक्टिव है, कोई पाइल नहीं है। मैजिशियन, ये सबकी कलेक्टिव कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, स्पेशली सब पूरे कर्मा बिलीवर्स फैमिली के लिए। फिर टावर आया है मैजिशियन के बाद, और ये सन है, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ चमत्कार होता हुआ आपकी ज़िंदगी में भाई, मैजिशियन है ना, तो मैजिक घूमता हुआ। और ऑब्वियसली टैरो डेक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा वन ऑफ माय फेवरेट टैरो डेक्स, बहुत अच्छा लगता है मैं कसम से। ये क्या नाम है इसका, हम भूल गए, एक मिनट देख लेते हैं, एंजल विजडम, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं
क्या है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस दौरान पे। मैजिशियन का कार्ड है, कुछ तो आप अपनी ज़िंदगी में हम बता देते हैं वैसे। अरे हमने व्हीलिंग नहीं दी आप लोगों को, शायद वो नहीं, वो नहीं था। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है शायद। नहीं, हमको हीलिंग की कॉलिंग नहीं आ रही है। एनीवेज, मैजिशियन, द टावर और द सन, ठीक है, ये तीन कार्ड आए हैं। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन एनर्जीज है भाई। तो भाई कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। और ऑब्वियसली टावर का कार्ड है तो पैरों तले ज़मीन तो भाई निकल ही जाएगी, है, लेकिन अच्छा, अच्छे के लिए निकलेगी ये पैरों तले ज़मीन आपकी, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है तो मैजिशियन का कार्ड है पहला कार्ड, देखते हैं। टावर, सन, बेहतरीन एनर्जीज हैं, ऊपर से फूल भी है, तो आप तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, कुछ आप फ्रेश अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं जो शायद किसी ने नहीं किया आपके पूरे खानदान में। आप कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा हमें लग रहा है। 11-11 देखा हमने। ये क्या है भाई? ओ, ये 9 of Swords है। घबराइए मत, देख के घबरा मत जाया कीजिए। सब कार्ड्स के मीनिंग कुछ अलग होते हैं, वो हम बताते हैं आपको। ये 9 of Swords देख के हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने रातों को जग जग के बड़ी सारी प्रेयर की है, बड़ी सारी दुआएं मांगी है। कुछ कैंडल मैनिफेस्टेशंस कुछ लोगों ने की होगी रात को बैठ के, कुछ मेडिटेशंस की होगी स्पेशली रात को टाइम, रात के टाइम पे कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मांगा है। और ख़ासकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ लोगों ने बहुत स्पेशली दिन के उजाले में नहीं लेकिन रात के अंधेरे में बहुत लोगों ने रो रो के कुछ दुआएं की है, रो रो के कुछ मांगा है, वो आपको इस फुल मून में मिलेगा। अरे वाह, क्या देखते हैं क्या है ये। अच्छा, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अरे अरे, ये क्या है, ये कौन है और क्यों है? तो ठीक है, कुछ लोगों ने शायद अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी है, स्पेशली प्यार का मामला हो सकता है, जो समझ रहे हैं। लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, और क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए। किंग ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। ओ, किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। अरे यार, कमाल है। ठीक है, समझ गए हम क्या है यहाँ पे मामला। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर की ग्रोथ के लिए कुछ कुछ दुआएं मांगी होगी कि आपका, आप पार्टनर मतलब स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ लोगों ने उनके लिए दुआएं बहुत मांगी है कि वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पर पहुंचे। ऐसी भी एनर्जी हमको दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक अच्छा स्टेबल जॉब की बहुत दुआएं की है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, कुछ करके दिखाना है। किसको दिखाना है वैसे, दिखाना किसको है? अपने लिए कीजिए, जो कीजिए, किसी को दिखना दिखाने का नहीं है, ठीक है। दुनिया में हम अकेले आए हैं और हमको अकेले ही जाना है, नाक में रुई सबको डालनी है। ये कौन है भाई? अरे ये तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। अरे कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली एक बहुत अच्छा, ये कार्ड भी आके गिरा है, ये 5 of Swords है। परेशान मत होइए, हम बताते हैं क्या है दिक्कत है यहाँ पे। 5 of Swords है, कुछ लोगों का रुका हुआ जो धन है ना वो वापस लौट रहा है। ओके, कुछ लोगों का रुका हुआ जो धन है, कहीं पर अगर स्टक है वो मनी, कहीं पे किसी को आपने दिया हो, कहीं पे बिल्कुल वापस नहीं आ रहा होता ना, कि किसी को पैसा दिया वो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो पैसा वापस आने का टाइम है इस फुल मून की एनर्जीज में। वो आपको जो धन जहाँ पे स्टक था वो वहाँ से वापस लौटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, भर भर के धन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं धन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो लोग स्पेशली जो लोग सिंगल हैं
ठीक है, इसी फुल मून में आपको आने वाले फुल मून तक डेफिनेटली आप लोग रिलेशनशिप में होंगे। ओके, दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द टू ऑफ कप्स, और जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो आपका सोलमेट है। कमाल है, फोर ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, ये आके गिरा है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से ना एक बोरिंग लाइफ जो अब तक बहुत बोरिंग रही है ना, मतलब आप एक डल एनर्जीज में जब रहे हैं या अभी अगर हैं, तो उस बोरियत से आप लोग निकलने वाले हैं अगले फुल मून तक। एडवेंचरस लाइफ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत, तो मतलब एक होता है ना एंजॉयमेंट लाइफ में, बस सब कुछ बहुत ही हैप्पी वाइब्स। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं विद दिस सन कार्ड। ठीक है, स्पेशली वेट लॉस की जर्नी में जाने का सोच रहे हैं अगर, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट फुल मून तक आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे जिसमें आप अपने आप को एक पर्टिकुलर स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। और साथ ही फुल मून तक आप लोग डेफिनेटली इतने एक्टिव हो जाएंगे कि भर भर के आप लोग ना सिर्फ बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली बिजी, हमें बहुत बिजी दिखाई दे, आपका बहुत स्केड्यूल बहुत बिजी हो जाएगा एकदम से। अगर आप बहुत बोर हो रहे थे, बैठे हुए थे टाइम में, कुछ ऐसे ही होता है ना कि कुछ लोग ऐसे बस बैठे बैठे इंतजारी करते रहते, लेकिन फाइनली कुछ जो है धड़ाम धड़ाम से आके आपके सामने बहुत सारे फल गिरेंगे। ठीक है, मीठे वाले फल निकलेंगे, और आप लोग मतलब बेसिकली हमें दिखाई दे रहा है कि अब एकदम से ना अचानक से आप लोग एकदम रिकॉग्निशन, आप अगर अब तक आप गुमनाम थे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे अब अचानक से आप लोग लाइमलाइट पे स्पॉटलाइट पे आ जाएंगे कि यार ये पर्सन इतने दिनों तक कहाँ पे था, कितना कहाँ पर छुपा हुआ था ये पर्सन। ऐसी एनर्जीज है, यू आर कमिंग इन टू यू नो लाइमलाइट स्पॉटलाइट पे, एक रिकॉग्निशन मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड। आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, और स्पेशली धन धान्य से परिपूर्ण कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको होती हुई हमें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कुछ तो आप लोग नया स्टार्ट करने का भी यहाँ पे सोच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एस ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ हमको फूल का कार्ड भी दिखाई दिया है। क्या स्टार्ट करना चाहते हैं आप? और एक चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके लिए आपने स्पेशली रातों को दुआएं मांगी ना, सो बिना सोए रात को उठ उठ के अगर आपने कोई मुराद मांगी है वो हमें यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोग डेफिनेटली एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट। और अगर ये कोई पुराने पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये वो भी हो सकते हैं जिनके लौटने के चांसेस इस फुल मून तक हैं। वो इसलिए क्योंकि एनर्जीज हमने हीलिंग भी नहीं दी। देखो, आपको ज़रूरत नहीं है, हमने बोला ना अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है नहीं, तो क्योंकि आप हील हो गए हैं, यू आर अट्रैक्टिंग समवन इनटू योर लाइफ। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, देर से आ रहे हैं, लेकिन दुरुस्त है। और साथ ही साथ ये बहुत ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये पर्सन है, यानी ये सेम पर्सन हो सकते हैं, ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये क्वालिटीज़ इस पर्टिकुलर पर्सन में हो सकती हैं, तो एक पोटेंशियल इस पर्सन में है जो कि आपका लॉन्ग टर्म तक साथी रहे। ठीक है, अरे यार क्यूपिड का वो होता है ना, क्यूपिड जैरो एकदम आपके दिल पे लगेगा और आप लोग धराशायी हो जाएंगे। ऐसी एनर्जीज हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है जिसके प्यार का तीर आपके दिल पे एकदम से लगेगा और आप लोग बस यू विल फॉल इन लव विद समवन। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड है। ठीक है, देखो कितना खूबसूरत कार्ड है, एक घर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है कि इक्वल, जहाँ पे गिव एंड टेक भी इक्वल रहेगा, गिविंग एंड रिसीविंग बहुत अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली लॉयल और डेडिकेटेड और इतना प्रोटेक्टिव, ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपने जो है अट्रैक्ट किया अपनी ज़िंदगी में, इसको कौन ही छोड़ना चाहेगा। लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी कुछ बिल्ड कर सकते अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन आपको जो है अपनी लाइफ में बहुत
एक इमोशनल सपोर्ट देगा, ठीक है, और हो सकता है कि आप इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दें। ये पर्सन क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इस समय ये पर्सन आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे, आपको खुश, पैम्पर, केयरिंग, बहुत नर्चर करेंगे, बहुत, है ना, ट्रस्टवर्दी लॉयल पर्सन है। और आप, हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली थोड़ी आप हेल्प करें, आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप भी इनको नर्चर करेंगे, ठीक है, बहुत जनरस हैं, बहुत इस समय बहुत प्रैक्टिकल है, हो सकता है आप इनको कुछ गाइड करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक मेल ही फीमेल को गाइड करे, फीमेल भी मेल को गाइड कर सकते हैं, कभी कभार किसी में ज़्यादा बुद्धि होती है। अरे मतलब, अब इसमें भी बहुत सारे लोग हम पे वो हो जाएंगे कि फीमेल्स में बुद्धि ही नहीं होती है, वैसे बात तो आपने सही की है। नहीं, बुद्धि देखिए, बुद्धि किसी में भी नहीं होती है। जितनी होनी चाहिए उतनी होती है, हैं, किसी में कम होती है, किसी में कम होती है, हैं, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है ना यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, सही है, सब सही है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसी रीडिंग आई है जो कि बहुत ही हमको थोड़ी अच्छी लग रही है भाई। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि एक बोरिंग लाइफ से आप लोग एकदम से एक चकाचौंध में आ जाएंगे, और आपको बहुत, नहीं चकाचौंध मतलब पार्टी वार्टी नहीं दिखाई दे रही हमको कि आप पैसा लुटाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में होंगे आप लोग इस एक महीने के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो लुटा भी रहे हैं, पैसे बचाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे साथ है, लेकिन हाँ, आप लोग कुछ भी ऐसा कर सकते, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, ठीक है, अ सेंसिबल अप्रोच, अ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी इसमें लिखा हुआ है, वो हम बता रहे हैं आपको। अरे यार, ये समझे ना आप, हम जो बताना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जीज है, बैलेंस्ड। कल परसों भी आई थी ना ये रीडिंग ऐसी बैलेंस्ड वाली एनर्जीज की, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हमको बड़ी खुशी हो रही है। शॉर्ट रखेंगे, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़्यादा हमको इन डेप्थ रीडिंग नहीं करनी है, लंबा करेंगे बोर हो जाएंगे इंसान, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बोरियत से निकालने के लिए ही ये रीडिंग आई है। तो अब तक अगर आपकी लाइफ बहुत बोरिंग रही है ना, तो इस एक आने वाले एक महीने के अंदर फुल मून तक आप लोग कुछ बहुत एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप बहुत बिजी दिख रहे हो, मैं बहुत बिजी मतलब बहुत बिजी मतलब वाकई में बहुत बिजी, और इतना मतलब आपके पास समय नहीं होगा, और ये कोई ऐरा गैरा बिजी बना नहीं है, ये आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बॉडी वेट लॉस जर्नी में जा सकते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ एक अपने लिए पर्टिकुलर टाइम भी निकाल रहे हैं कुछ लोग स्पेशली। और बिजी स्केड्यूल मतलब भर भर के काम आ रहा है आपके पास, कुछ आप ऑब्वियसली जॉब की सिचुएशन भी हमने आपको बोला, फाइनेंशियल चीज़ें आप इतना अट्रैक्ट कर रहे हो, तो जॉब वगैरह भी मिलने के चांसेस हैं। और जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है ना, तो उनको अगले ये फुल मून तक आप लोग एक स्टेबल जॉब में वो एक स्टेबल जॉब पे हायर होते हुए मैं दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है यार, भगवान करे ऐसा ही हो। और रुका हुआ धन भी कुछ लोगों का आ रहा है, तो हमको कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ आपने पैसा फंसा रखा है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं नहीं कमेंट करके मत बताइएगा, ये गलत बात है ना, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है, खैर जो भी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, देखिए शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी है हमने, इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प इसलिए रखी है क्योंकि हमको नहीं, हम नहीं चाहते कि लंबा हो रीडिंग, बोरिंग हो, क्योंकि फुल मून की एनर्जीज में भी पिकअप आइल करेंगे, फिर एक लंबा कार्ड निकालें, ये कार्ड वो कार्ड, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी है। जो ज्ञान आपको मिलना था वो मिल गया है, ठीक है, दुकान बंद, टाटा बाय बाय। नहीं, जो हमको बोलना है वो तो हम बोलेंगे ना। तो जी, ये थी आप लोगों की रीडिंग, जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा ज़बरदस्ती अपने ऊपर, कोई भी रीडिंग लागू मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादातर चीज़ अच्छी लगी, आपके पैरों तले ज़मीन निकलने वाली है, वो भी अच्छे के लिए, क्योंकि सन का कार्ड आया है, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो अगले फुल मून तक पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं, नहीं और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।